चीन को सता रहा है हवाई हमले का डर। जिनपिंग ने तैयार किए बारूद के शहर। एलएसी पर ड्रैगन के 60 ठिकाने कैप्चर। पीएलए में खौफ, इंडियन एयरफोर्स मचाएगी कहर। तीसरी आंख से दिखी जिनपिंग की चाल। सरहद पर ड्रैगन ने बिछाया घातक जाल। सुन लो जिनपिंग, होगा सर्वनाश। अब की बार वायुवीर करेंगे नक्शे से साफ। ड्रैगन के षड्यंत्र का जिंदा सबूत। कब्रिस्तान बनेगा चीन, काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मेरे पीछे आप जो ये 6 इलाकों के नाम देख रहे हैं, इन जगहों पर अब ड्रैगन के डर के सबूत सामने हैं। चीन भारत की ताकत से पूरी तरह घबरा गया है। ये चीन की घबराहट ही है कि उसने हिंदुस्तान के आसमानी ताकत से बचने के लिए अभी से जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। एलएसी पर जारी विवाद के बीच हिंदुस्तान ने अपनी ताकत में काफी इजाफा किया है। इसी का नतीजा है कि चीन भारत से डरकर एलएसी के इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। एलएसी से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि चीन ने अपने शहर में ही बारूदों का ढेर बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन ड्रैगन शायद भूल रहा है कि यही बारूद ड्रैगन के मौत का सामान बन सकते हैं। पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटने वाला ड्रैगन हिंदुस्तान की आसमानी ताकत से घबराया हुआ है, और उसका सबूत है ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें। जी हाँ, छोटे देशों पर अपनी हेगड़ी जमाने वाला चीन भारत के एक्शन से पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। आसमान से ली गई ये सैटेलाइट तस्वीरें गवाही है कि चीन भारतीय वायुसेना की ताकत से घबराया हुआ है। लेकिन चालबाज चीन इस बौखलाहट में भी अपनी चालबाजी बंद नहीं कर रहा है। भारत से टक्कर लेने के लिए चीन ने पहले से ही सीमा पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, लेकिन भारत के रवैये से चीन पूरी तरह से बौखला गया है। भारत की तैयारी से घबराए चीन ने एलएसी के पास 7 ठिकानों पर अपने सरफेंस टू एयर मिसाइलों को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना की ताकत से चीन इतना घबरा गया है कि एलएसी के साथ चीन ने नॉर्थ ईस्ट में भी 4 ठिकानों पर सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर दी है। लेकिन चीन इस बात से शायद वाकिफ नहीं है कि ऐसा करके चीन सीमा पर अपनी ही बर्बादी का बारूद बिछा रहा है। चीनी सेनाएं गलवान वैली और पेंगानसो लेक में पीछे नहीं हटी है, और वहां पर वो जिस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में चीन ने अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए एलएसी के 7 पॉइंट्स के ऊपर जो है अपने सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए हैं। इसमें कैलाश मानसरोवर और उत्तराखंड में काला पानी और लिपुलेख के इलाके हैं, वहां पर भी उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए हैं। तो चीन जो है वो भारत की वायुसेना से काफी डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि भारत की जो वायुसेना है उसकी घातक क्षमता और एयरबेस की जो पोजीशन है वो चीनी सेना के ऊपर काफी भारी पड़ती है। लद्दाख के पास रूदो, उत्तराखंड के पास नगारी गुसा एयरपोर्ट और मानेश्वर झील के इलाके में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइलों के ठिकाने बनाए हैं। चीन इस बात को भलीभांति जानता है कि हिंदुस्तान उसकी सीमा के हर इलाके में उस पर भारी पड़ेगा। इस बात से घबराए ड्रैगन ने नॉर्थ ईस्ट में भी 4 ठिकानों पर मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शिगात्से, गोंगार एयरपोर्ट, लुहानसे, मनलिंग, नॉर्थ ईस्ट के ये चारों इलाके तिब्बत की सीमा में आते हैं, जिस पर वर्षों से अपना अधिकार जमाता रहा है। आसमान में भारत के गरजते एक से बढ़कर एक आधुनिक विमान सीमा पर शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। शंघाई से लेकर पीएलए हेडक्वार्टर तक इंडियन एयरफोर्स के डर से
खौफ बढ़ गया है और यही वजह है कि बौखलाहट में चाइना ने अपनी सीमा पर मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन चीन इस बात को अब भी नहीं समझ पा रहा है कि जिन मिसाइलों के दम पर वो भारत से टकराने की प्लानिंग कर रहा है वो पल भर में चीन के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। एलएसी पर भारत से टक्कर लेने वाले चीन को यह एहसास हो गया है कि अगर उसने हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश की तो उसको इसका खामियाजा अपनी बर्बादी की शक्ल के रूप में भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि चीन ने एलएसी के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक रूस में S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। आपको बता दें कि ये वही मिसाइल है जिसकी डिलीवरी पर हाल ही में रूस ने रोक लगा दी थी। चीन भले ही S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर भारत से टकराने की सोच रहा हो लेकिन ड्रैगन शायद भूल रहा है कि हिंदुस्तान के पास अब राफेल की ताकत है जिसके सामने चीन का S-400 कहीं नहीं ठहरता। एलएसी पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। खबर है कि चीन एलएसी पर S-400 मिसाइलों की तैनाती करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है। दरअसल चीन भारत की वायुसेना की ताकत से वाकिफ है। वहीं भारत ने भी कह दिया है कि वो एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएगा। यही वजह है कि चीन अब मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे राफेल चीन के S-400 पर भारी पड़ेगा। राफेल लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है और मिसाइल सिस्टम के काफी करीब आकर उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में RBE-2 रडार सिस्टम है जो पहाड़ी इलाकों में खतरे को आसानी से भांप सकता है। राफेल में लगे स्प्रिक्टर मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। जिनपिंग को इस बात को समझ लेना चाहिए कि सीमा पर चीन का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। चीन अगर जल्द ही अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो आसमान से भारतीय वायुसेना के शूरवीर उसकी हर तैनाती पर कहर बरसाने के लिए टूट पड़ेंगे। चीन एक तरफ तो विवाद कम करने के लिए समझौते और बातचीत का ढोंग करता है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एलएसी पर मात खाने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से काम नहीं बाज नहीं आ रहा है। पेंगोंग, गोगरा होट स्प्रिंग, देपसांग में चीनी सैनिक अब भी जमकर बैठे हुए हैं, जिसको वहां से हटाने को लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है। इसी बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें नेपाल और हिंदुस्तान से लगे लिपुलेख इलाके से कुछ दूरी की हैं, जहां चीन नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके सबूत इंडिया न्यूज के पास है। आखिर क्या है चीन की चाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर एलएसी की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मार कर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है। लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है
जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है। ये देखिए चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत, सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेक इलाके की है। चीन यहाँ पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है, लिपुलेख के पास। लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है। यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्रायल जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्ट्रा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहाँ मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं, चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो एक तरह से वो दिखाता है कि वो नेपाल को हेल्प कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है, हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर फोर, गोगरा, पेंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है, वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है, उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है।
चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।